स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेकर आए हैं 26 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 के बीच के साप्ताहिक खबर जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हमने नए वर्ष में प्रवेश किया है और आपको नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय जल मार्ग का एक्सपेंशन कर रही या विस्तार कर रही है। विस्तार इसलिए कर रही है क्योंकि जल मार्ग बहुत ही सस्ते साधन है यातायात के, जिससे यातायात के लागत में कमी आए, माल ढुलाई की लागत में कमी आए। रैपिड ट्रेन का ट्रायल जनवरी में शुरू हो जाएगा और इसमें 2025 तक मेरठ से दिल्ली के बीच यात्रा की जा सकेगी। 5 स्टेशन होंगे फिलहाल, अभी ये ट्रायल फेज़ में है। रेल मंत्रालय ने रेलवे की भूमि पर टेलीकॉम कंपनियों को टावर लगाने की अनुमति दे दी है, लेकिन उन पर अधिकार रेलवे का ही रहेगा या रेलवे की टेलीकॉम कंपनी रेलटेल का रहेगा। टाटा समूह ने एयर एशिया इंडिया का पुनर्नामकरण AIX कनेक्ट किया है। दिल्ली एयरपोर्ट 4 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट है। तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स से वायु की गुणवत्ता मापी जाती है, उसी तरह से जल्द ही एग्जॉस्ट इमिशन इंडेक्स से गाड़ियों की गुणवत्ता मापी जाएगी और गाड़ियों की अलग अलग कैटेगरी निर्धारित कर दी जाएगी, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, पुअर और फेज आउट। इसी के आधार पर गाड़ियों का निर्धारण होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री से संबंधित एक नया नियम बनाया है जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। देश में केवल 7.5% परिवारों के पास अपनी कार है, जिसमें सबसे ज़्यादा केरल में है 24.2%, यूपी का 5.5% है। नए साल में एक नया डिजिटल विश्वविद्यालय खुलने वाला है और उसका नोडल बॉडी होगा DU। नैनो यूरिया के साथ साथ एक नैनो DAP भी आने वाला है और नैनो यूरिया सस्ता है और ये बिना सब्सिडी के भी नॉर्मल यूरिया से सस्ता है। नैनो DAP के लिए 1 साल का प्रोविजनल क्लियरेंस मिल गया है। केंद्र सरकार द्वारा पहला वीर बाल दिवस मनाया गया। यह श्री गुरु गोविंद के पुत्रों के स्मरण में मनाया गया है। शुगर इंडस्ट्री या चीनी उद्योग की कंपनियां गन्ने के बीजों के विकास में निवेश कर रही हैं ताकि फसल अच्छी हो। अच्छी फसल होगी तो इनका चीनी का उत्पादन भी अच्छा होगा। भारतीयों ने 2022 में क्या क्या सर्च किया उस पर ये डेटा है। उतना ही सबसे ज़्यादा IPL पे सर्च किया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने श्री सैलम में प्रसाद प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। मनरेगा में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का ज़्यादा योगदान रहा या ज़्यादा उनको लाभ मिला, 57.8% महिलाएँ हैं। वर्ष 2022 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 1 वर्ष के अंदर ही 3 प्रधान न्यायाधीश दिखें, CJI दिखें। सुप्रीम कोर्ट ने 4 वर्ष में 538 फैसलों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया और 290 का हिंदी में। भूमि संबंधी विवाद का त्वरित निपटारा या जल्दी समाधान करने के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज अब ई अदालतों से जुड़ जाएंगे, जिससे न्याय देने में सहजता होगी और न्याय देने की गति तीव्र हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में ऑनलाइन उपस्थिति पर्ची का पोर्टल सक्रिय हो चुका है, जिससे वकीलों को सहजता होगी अपने कार्य में। भारत सरकार का प्रयास है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्कोर अच्छा हो। फिलहाल वर्ष 2022 में 140 देशों में भारत का रैंक 77वां है, 77th रैंक है भारत का। असम में नए सिरे से होगा लोकसभा और विधानसभा का सीटों का परिसीमन। ऐसे मतदाता जो चुनाव के समय राज्य से बाहर होते हैं और वोट नहीं कर पाते, उनके लिए निर्वाचन आयोग एक प्रपोजल लाई है जिसमें मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाएगा। ब्रिटिश भारतीय सेना की याद में ग्लासगो में स्मारक बनेगा और भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में सर्बिया ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। एक तारे को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित जोशी मठ में भू धसाव हो रहा है, जिसका उपचार सरकार करवाएगी जल्दी ही। यह आंकड़ा है या डेटा है
जिसमें बताया गया कि किस शहर में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। तो भारत का दिल्ली इसमें 7वें रैंक पर है, दिल्ली के बाद मुंबई और कोलकाता बेंगलुरु का रैंक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के प्रमुख शहरों के महत्वपूर्ण स्ट्रीट फूड को देश के अन्य शहरों में भी पहुंचाया जाएगा। हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार गौरी शंकर रैना को मिला है और नमिता गोखले को 2023 का नीलिमा रानी साहित्य सम्मान दिया गया है। बिहार में ऐसे खेत जिनमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है, फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाया जाएगा जिससे इन किसानों को आर्थिक लाभ होगा। दिल्ली सोलर सिटी बनने के राह पर है, जिसमें लक्ष्य बनाया गया है कि 2025 तक सोलर पावर की हिस्सेदारी 9% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल पहले 5,000 रुपये आय वाले लोगों का निःशुल्क इलाज करते थे, किंतु हरियाणा सरकार ने अब उस सीमा को बढ़ा दिया है, जिसे 15,000 रुपये आय तक के लोगों का हॉस्पिटल निःशुल्क इलाज करेगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने गन्ने के मूल्य निर्धारण हेतु एक कमेटी बनाई है जो गन्ने का मूल्य निर्धारण करेगी। अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया या दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना के दौरान हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालक, मतलब ड्राइवर और कंडक्टर ने और एक अन्य व्यक्ति ने विशेष योगदान दिया जिससे उनकी जान बच सकी। इस कारण प्रदेश सरकार राज्य परिवहन सेवा के चालक और परिचालक, माने ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मानित करेगी। उत्तराखंड सरकार स्नो वेडिंग को बढ़ावा दे रही है जिससे लोग वहाँ पर बर्फ में शादियाँ करें और सरकार को लाभ हो। उत्तराखंड राज्य से अगर कोई MBBS करता है तो वह एक बॉन्ड भरता है जिसमें उसे 5 साल तक अपनी सेवाएं राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में देना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे 1.5 से 2.5 करोड़ रुपये भरना पड़ेगा। तेलंगाना और उड़ीसा केवल दो राज्य हैं जहाँ के सभी पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरा लगा हुआ है। महाराष्ट्र में लोकायुक्त बिल पारित किया गया है जिसमें चीफ मिनिस्टर भी जांच के दायरे में होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माता का देहांत हो गया, इनका नाम याद रखिएगा, हीराबेन मोदी। 2023 में भारत क्या क्या कर सकता है, ये लेख उस पर है। और 2022 के कुछ महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनसे प्रश्न आ सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जन विश्वास बिल पेश किया गया है जिसमें 42 कानूनों के तहत 183 अपराधों को गैर अपराध की श्रेणी में घोषित कर दिया गया है। यह भारत के रक्षा निर्यात से संबंधित आंकड़ा है या डेटा है। यह आंकड़ा या डेटा CSR से संबंधित है। इसमें कंपनी अपने लाभ का कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाती है। 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से कुल CSR का केवल 4% आता है, जबकि 96% केवल 4-5 राज्यों से आ जाता है। SBI, एक्सिस और ICICI बैंक अपना रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं जो UPI से लिंक होगा। यह मार्च से शुरू हो जाएगा। देश में अरबपतियों की संख्या में कमी आई है जो 142 से घटकर 120 हो गई है। शीर्ष पर सबसे रईस व्यक्ति या सबसे अमीर आदमी गौतम अदानी है और दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी है। द डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब बिल 2022 सरकार द्वारा पेश किया गया है जो SEZ से संबंधित है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से संबंधित है। RBI का मानना है कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है वह बैंक जमा के लिए बहुत अच्छा वर्ष था। इसमें बैंकों में जमा में वृद्धि हुई है। अब गेमिंग फर्म पर टैक्स लगेगा। गिग वर्कर्स का मतलब है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, माने ऐसे श्रमिक जो संगठित क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं। तो केंद्र सरकार एक ऐसी योजना ला रही है कि असंगठित क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं, जो श्रमिक हैं, उनको भी कुछ पेंशन दिया जाए ताकि वृद्धावस्था में वो किसी पर निर्भर ना हो। जिस तरह से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उसी तरह से भारत सरकार छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड लेकर आई है जिसकी लिमिट 50,000 से 2 लाख तक होगा। यह लेख सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है।
सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं का या उत्पादों का बार बार उपयोग होता है, पुनर्प्रयोग होता है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर महिमा स्वामी को यूरोप में जीव विज्ञान की युवा अन्वेषक के रूप में चयनित किया गया है। प्रोजेक्ट वाणी में देश की भाषाई विविधता की मैपिंग की जाएगी। इसमें 3 संस्थाएं एक साथ शामिल हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, गूगल और AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। भारतीय सेना अपने सैनिकों के लिए 3D प्रिंटेड घर बना रही है। अभी अहमदाबाद कैंट ने पहला 3D प्रिंटेड घर अपने सैनिक को दिया है। यह न्यूज़ भारत का रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को दर्शा रहा है। इसमें बताया गया है कि गगनयान के क्रायोजेनिक इंजन में इस वर्ष सफलता मिली। इसरो कॉमर्शियल लॉन्च मार्केट में प्रवेश किया है। मार्स ऑर्बिटर ने अपनी यात्रा समाप्त की। भारत में निजी तौर पर रॉकेट का सफल प्रक्षेपण हुआ है। ये भी सब न्यूज़ में बताया गया आपको। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल और आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके अलावा अन्य तकनीकों पर भी सफलता प्राप्त की गई। इस पर ये लेके देख लीजिए, फैक्ट शीट है, एक बार इसको देख लीजिएगा। भारत सरकार के उपक्रम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिससे अगर रेल की पटरी टूटती है तो उसकी तत्काल सूचना मिल जाएगी। इसका नाम रखा गया है ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम। टाटा स्टील और TUTR कंपनी ने हाइपरलूप के विकास के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के एक राज्य तमिलनाडु में हाइपरलूप का एक प्रोटोटाइप बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ये न्यूज़ AVGC से संबंधित है। AVGC का मतलब होता है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स। भारत का प्रयास ये है कि भारत में ही इसे बनाया जाए। अमेरिका की एक कंपनी कॉमनवेल्थ फ्यूज़न सिस्टम दुनिया की पहली नेट एनर्जी फ्यूज़न मशीन बना रही है और जल्दी ही फ्यूज़न अर्थात संलयन से ऊर्जा मिलने लगेगा। भारत सरकार एक प्लान बना रही है जिसके तहत दिसंबर 2024 तक देश के सभी मोबाइल और टैब्स के चार्जर Type-C प्रकार के होंगे। यूरोपीय यूनियन इसको पहले से ही लागू कर चुकी है। 3 करोड़ रेल यात्रियों का डेटा हैक हो गया है और इसे डार्क वेब पे बेचा जा रहा है। डार्क वेब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, देख लीजिएगा डार्क वेब क्या है। साइबर आतंक से निपटने के लिए NIA अपना एक नया विंग बना रही है। भारत नेट कार्यक्रम का लक्ष्य था कि अगस्त 2023 तक देश के सभी पंचायतों तक इंटरनेट की पहुंच उपलब्ध कराई जाए या इंटरनेट की सुविधा दी जाए, किंतु अभी भी 20% पंचायतों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है या कंप्यूटर नहीं है। एम्स में क्लिनिकल ट्रायल हुआ है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड से सिजोफ्रेमिया के मरीजों को लाभ हुआ है। एम्स में एक बोन बैंक बना हुआ है जिसमें पहला डोनेशन प्राप्त किया गया। निर्माट्रे वीर WHO द्वारा पहली प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दवा है। इस दवा का उत्पादन हेट्रो नामक कंपनी करती है। कोरोना टीका ब्लड कैंसर रोगियों के लिए खास उपयोगी है। भारत सरकार द्वारा एक टीकाकरण की घोषणा की गई है जिसमें 9 वर्ष से 14 वर्ष की लड़कियों को टीका दिया जाएगा जिससे कार्विकल कैंसर को नियंत्रित किया जा सके या उसके खतरे को समाप्त किया जा सके। ग्रीन कीटनाशक का विकास किया गया है जो मच्छर और मक्खियों को नियंत्रित करेंगे, उनके विकास को नियंत्रित करेंगे। रेड सी वीड यानी लाल समुद्री घास से एक ऐसा बायो पॉलीमर डेवलप किया गया है जो प्लास्टिक का विकल्प हो सकते हैं। यह कार्य किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा। आज से 77 या 76 वर्ष बाद अर्थात सन 2100 में अंटार्कटिक के 97% पेड़ पौधे और जंतु विलुप्त हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तमिलनाडु का राज्य पशु नीलगिरी तहर है और इनके संरक्षण के लिए एक परियोजना बनाई जा रही है जो भारत की पहली परियोजना है। जिस तरह से पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है और जलवायु परिवर्तन को गति मिल रही है, ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2070 तक 50% मैंगो वन समाप्त हो जाएंगे। थाईलैंड में मूंगा चट्टानों पर एक संक्रामक रोग देखा गया है जो फंगल इन्फेक्शन के कारण हुआ है। देश के कई शहरों में मेट्रो सेवाएं चालू हो गई हैं या शुरू हो गई हैं, उनसे कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा है। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित लोदी सिटी का मेयर
निक्की होथी को चुना गया है। ये भारतीय मूल के हैं। स्पेन में फूड बैटल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग सैन्य पोशाक या आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर एक दूसरे पर खाने की चीज़ें फेंकते हैं। कैथोलिक ईसाई धर्म गुरु बेनेडिक्स का देहांत हो गया और ये 600 वर्ष के पोप के इतिहास में पहले धर्म गुरु थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। बांग्लादेश में पहला मेट्रो सेवा शुरू किया गया है ढाका में। केंद्र सरकार ने ई खेलों को आधिकारिक मान्यता दे दी है और जब ई खेलों को मान्यता दी जाएगी तो उनसे संबंधित विनियमन भी होगा। टिहरी झील के किनारे बनेगा अंतर्राष्ट्रीय कयाकिंग एंड कैनोइंग एकेडमी। कयाकिंग का मतलब होता है, या कैनोइंग का मतलब होता है, कयाक नाम की एक नाव चलाना। भारत में पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन भारत के चेन्नई में किया जाएगा। इस कारण चेन्नई शहर में चेस के थीम पर बहुत सारी पेंटिंग की गई है। चेस ओलंपियाड के बाद भारत 2036 के ओलंपिक्स की मेज़बानी करने के लिए बोली लगा रहा है या प्रयास कर रहा है। फुटबॉल के क्षेत्र में महान खिलाड़ी पेले का निधन हो गया। और जिन छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगता वो पोमोडोरा तकनीक को अपनाएं। इसमें बताया गया है कि पोमोडोरा तकनीक क्या है। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।